विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत तहसील प्रशासन ने आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि झांझरा ग्राम पंचायत में तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जों को चयनित किया हुआ था। कब्जा धारक यहां नए मकान का निर्माण कर रहे थे। इस दौरान तहसील प्रशासन के बुलडोजर ने 13 अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया, जिसके अलावा झांझरा क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की सूची प्रशासन की टीम तैयार कर रही है, जिन पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में प्रशासन के द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई पर कब्जाधारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ना जी, हमें किसी ने नहीं बोला कि आपका मकान टूट रहा, और हमें बच्चों ने जाकर खबर दी, उन्होंने कहा कि आपका मकान टूट गया। और फिर हमने आकर देखा, पुलिस वाले ने बोला एक साइड खड़े हो जाओ, हम एक साइड खड़े हो गए, और हमारा तो नुकसान कर दिया, खाने पीने तक का सामान भी इसमें बंद कर दिया, सब तोड़ के चले गए हैं यहाँ से। कब से रह रहे थे आप लोग? हमें एक साल हो गए रहते हैं, जब से हम थोड़ा थोड़ा करके गरीब आदमी है, विधवा औरत हूँ मैं तो जी, है जी, आदमी ने जोड़ के जब मैंने ली थी और जब मैंने कर्जा करके बनाई थी। ये हमारी सरकारी भूमि पे इन्होंने काफी अतिक्रमण किया है, कम 12 से 15 मकान इन्होंने अभी यहाँ पे बना रखे थे, जिसमे से हमने कब्जे हटा दिए, 2 मकान और रह गए अभी, बाकी आगे हमने चिन्हीकरण कर रखा है, उसको भी कल से उसकी कार्य अभी शुरू हो जाएगी, अभी 2 मकान और बचे, इसको अभी तोड़वा रहा हूँ साहब की, करीब 9-10 मकान तोड़ दिए हैं। चिन्नी का इधर ही है, थोड़ा सुद्धो वाला से आगे को, यहीं आगे पीछे की साइड, उधर ही जाएंगे अभी थोड़ी देर।